है कि नहीं। तो ये सब लेकर के मुझे ऐसा लगा कि स्पेशली बच्चों को इतना अवेयर कर दो, कम से कम स्कूल में है तो वो मेरी गारंटी है, आउट ऑफ स्कूल वो इतना अवेयर हो जाए कि वो अपनी सेफ्टी कर सके, अपनी वो कर सके। तो उसके लिए चाइल्ड अब्यूज के ऊपर ही मैंने बहुत से काम किया, बहुत काम किया कि किस तरह से उन बच्चों को कम्युनिकेट कर सके उनकी भाषा में, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग होती है, ठीक है। तो उससे पहले ग्रुप बना के डिस्कस किया वो किया, लेकिन हमने ये डमी का यूज़ किया, डमी का यूज़ किया। डमी का यूज़ करने से क्या था कि प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अच्छे से उनको बता सकते कि क्या आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, ऐसे तो बॉडी में सारे पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं जिनको छूने से आपको लगे कि हाँ ये गलत है आपके साथ हो रहा है। तो उससे बच्चों ने ये समझ लिया कि नहीं, ये पार्ट जो है हमारा प्राइवेट पार्ट है और ये अगर कोई इस तरह से छूता है तो ये हमको रिएक्शन करना है मुझे, और इट्स नॉट योर मिस्टेक। यू आर टॉकिंग अबाउट द बैड टच एंड द गुड टच। यस, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, गुड बैड एंड सीक्रेट। आई जस्ट जॉइंड। यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। गुड टच, बैड टच एंड सीक्रेट टच, देयर आर थ्री टच। गुड टच, टीचर्स आपने शाबाशी दिया, अप्रिशिएट किया, मम्मी ने प्यार किया, तो दैट इज गुड टच, यू फील गुड टच। बैड टच, बच्चे ने धक्का दे दिया, पेंसिल लगा दिया, चिटकी काट दी, अनकम्फर्टेबल, वो बैड टच है। बट सीक्रेट टच में ये है जो कि अनसेफ, असुरक्षित है, आपको तकलीफ भी होती है, आप सुरक्षित भी नहीं, एंड दैट इज सीक्रेट टच टच, जो कि हमने ये डमी से उनको बताया सीक्रेट टच को।